नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार हमारे YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय इतिहास, जो कि पिछली कड़ी से हमने लिया है। पिछली बार हमने आपको, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमारे पूर्वज कैसे थे वो हमें पता कैसे, हम पता कैसे कर सकते हैं उसके स्रोत कौन कौन से हैं। लेकिन आज हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो कैसे करते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, चाय के साथ। अब आपने चाय बनाने के लिए गैस का उपयोग लिया, गैस कैसे बना, आग से, ठीक है ना। अब ये आग कैसे बनी वो हमें पता नहीं। हम कहीं जाते हैं ट्रेन से, एरोप्लेन से, बस से, कार से जाते हैं, लेकिन क्या शुरू से कार थी? हम किसी चीज़ को काटने के लिए चाकू वगैरह का उपयोग करते हैं, तो क्या शुरू से चाकू था, यानी धातु का उपयोग करें, क्या शुरू से धातु थी? तो शुरू से पृथ्वी पर जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाए वही साधन थे। जब मनुष्य पैदा हुआ था या मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उस वक्त मनुष्य के पास में आर्टिफिशियल चीज कोई भी नहीं थी, सारी के सारी नेचुरल चीज़ें थी, यानी प्राकृतिक चीज़ें थी। उन चीज़ों से मनुष्य ने धीरे धीरे दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद वह कैसे उपयोग में, उनको उपयोग में लेना सीखा धीरे धीरे। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, परिवार बढ़े अपने, वैसे वैसे आवश्यकता बढ़ी, और आवश्यकता बढ़ने पर व्यक्ति उन चीज़ों का उपयोग करना शुरू हो गया। तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या, किस चीज़ का उपयोग किया? सबसे पहले उपयोग किया, हमारे धरती पर पानी था, पानी पीने के उपयोग में लिया उसने, मिट्टी, वायु श्वास के काम में आती थी, और उसके चारों तरफ था पत्थर। अब पत्थर देखिए, पत्थर उसके बहुत ही उपयोग की चीज़ था। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास हथियार थे, ना उसके पास आग थी, उसके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन पत्थर से वो अपनी सुरक्षा कर सकता था। पत्थर पे देखो, खाली पत्थर से क्या फेंक लेता था किसी के सामने, या फिर कोई पेड़ से फल फ्रूट तोड़ने के काम में ले लेता था, या एक दूसरे के मारने के काम में ले लेते थे। लेकिन उसका उसने बहुत ही उपयोग लिया, और वह उपयोग लिया उस समय को हम कहेंगे पूरा पाषाण काल। और पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, अगर एक बार आप मेरी जो वीडियो है शुरू से अंत तक पूरा देख लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने पत्थर से उपयोग करके क्या क्या चीज़ बनाई, पत्थर के उपयोग से कौन कैसे सभ्यता का विकास हुआ, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पाषाण काल जो है कब माना जाता है, देखिए हम उसकी वैसे सही ढंग से गणना तो की नहीं जा सकती है, लेकिन जो कार्बनिक पद्धति है उससे पता की गई है, जो खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनकी कार्बनिक पद्धति से पता चला है कि पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना गया। ईसा पूर्व यानी जब ईसा का जन्म हुआ उससे पहले, 25 लाख वर्ष पहले और 3000 ईसा पूर्व तक। अब इस काल को हमने पता था कि प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, और इस काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसमें पाषाण काल थे पत्थर। जो पूरा पाषाण काल था 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, मध्य पाषाण काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है, और नव पाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए, निम्न या लोअर, पूरा पाषाण काल जो था वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल हमने ये 1 लाख ईसा पूर्व से 40 हज़ार ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल यानी 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में बांटा गया है।
इस काल की जानकारी मुख्यतः प्रस्तर अर्थात पत्थर के औजार के माध्यम से प्राप्त होता है। अब देखिए, सबसे पहले सोचिए कि पत्थर का उपयोग हम क्या करते हैं। हम अगर कहीं पे जा रहे हैं, हमारे पास में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, और हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए या फिर गाय हमारे पीछे भागना शुरू होगी या कोई मनुष्य हमें परेशान करना शुरू करता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोड पर जो पत्थर पड़ा है उस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारा प्रथम हथियार प्रकृति से प्राप्त क्या है, पत्थर, ठीक है ना। तो मनुष्य ने भी सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इतिहास के इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, जो भारतीय पूरा पाषाण काल है, वो देखिए जलवायु और उसका औजारों का स्वरूप इन खुदाई में जो प्राप्त हुआ उसके अनुसार 3 भागों में होता है, एक तो निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व को हमने आपको बताया था, इसे निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में मानव को कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था। जो पूरा निम्न पाषाण काल था उसमें मनुष्य ना तो कृषि करता था नहीं पशु को पालता था, केवल और केवल एक वन्य प्राणी की तरह था। वन्य प्राणी क्या करते हैं, वो कोई खेती करते नहीं है, वो पशु नहीं पालते हैं, वो खुद ही पशु के समान रहते हैं। मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। वह केवल बड़े पशुओं को ही शिकार कर सकता था। वह बड़े बड़े पशुओं को मारता था और खाद्य सामग्री इकट्ठी करता और शिकार करता था। इस काल में मानव मुख्यतः क्वार्टजाइट यानी स्फटिक पत्थर के क्रूर उपकरणों का उपयोग करता था। क्यों, मारने के लिए उसके पास जो पत्थर थे उसी पत्थर को फेंकना करना ऐसे काम में लेता था। इस काल के प्रमुख जो पूर्व पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, इस काल में प्रमुख प्रस्तर उपकरण है पेबल, पत्थर के वे टुकड़े जिसके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे, पेबल कहे जाते थे। इनका आकार गोल मटोल होता था। अब जो गोल मटोल पत्थर थे उनको भी वो अपने औजारों के रूप में काम में लेता था। जैसे कि जिस जगह पे गोल पत्थर को औजार के रूप में उपयोग में लेते हैं उस जगह पे ये पेबल का उपयोग करता था। दूसरा है चापर या चापिंग। जब पेबल के एक तल से सल्क उतार कर एक तरफ धार बनाई जाती थे उसे घंटासा कहते थे, और जब दोनों ओर धार बनाई जाती तो उसे खंडक कहते थे। देखिए, जो गोल पत्थर होता है उस पत्थर को एक तरफ से यदि यहाँ से ये तीखा टाइप कर दिया जाए तो उसको चॉपर, और जो दोनों तरफ से कटिंग, ये देखिए ये जो किनारा है ना, ये एक तरफ से चिकना कर दिया है इसलिए ये चॉपर, और ये एक और ये दोनों तरफ से चिकने कर दिए या दोनों तरफ से घस घस के सीधे कर दिए गए हैं तो ये हो गया चॉपिंग। हैंड एक्स एवं क्लीवर, ऐसे तीखों ने क्रोड उपकरण जिसमें दोनों तरफ धार बनाई जाती है। हैंड एक्स मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन उपकरण है। यदि हैंड एक्स अपरिष्कृत हो तो इसे एबिबेल तथा परिष्कृत हो तो उसे एश्युलिन कहा जाता है। क्लीनर यू और वी आकार की होती थी। देखिए, हैंड एक्स एक्स है मतलब कुल्हाड़ी के जैसे, है ना, जो कुल्हाड़ी की तरह उपयोग में ले सकते थे। ये कुल्हाड़ी का शेप ऐसा ही होता है ना, एकदम तीखुना, पीछे से गोल, एकदम गोल और आगे से तीखा, तो इसको कहते थे हैंड एक्स, जो वी आकार के थे। और जो क्लीनर थे, ठीक है ना, ये क्लीनर जो थे ये आगे से पीछे से गोल और आगे से ऐसे चार तरह से धार वाले हो सकते हैं, और ये तीखे एकदम पतले तीखे वी आकृति के, एक यू आकृति के और एक वी आकृति के थे। तो जो कुल्हाड़ी की तरह थे वो तो हैंड एक्स थे, और जो वी और यू आकृति के थे वो थे क्लीवर। स्क्रैपर, इसमें किसी मोटे सल्क में एक या अनेक किनारों की घिसाई कर तेज या मजबूत किनारा बनाया जाता है। देखिए, स्क्रैपर पर जो है ना, ये ऐसे इनको
ऐसा सेफ देते थे, जो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे वाला सेफ, ये था स्क्रैपर। जो स्क्रैपर यानी ये जो ऐसा सेफ धारदार सेफ देते हैं ना ऐसे, वो वाला ये स्क्रैपर, छो सल्क बना देते हैं उसके बीच में। अब पॉइंट, ऐसा सल्क जिसमें उपकरण जिसमें घिसकर एक तरफ नुकीला सिरा बना दिया जाता है वो पॉइंट कहलाता है। देखिए इसके आगे जो है एकदम तीखा तीखा बना दिया जाता था आगे से, वो पॉइंट कहलाता था। ब्यूरिन, ऐसा सल्क उपकरण जिसमें घिसकर दोनों तरफ नुकीला सिरा बना दिया जाता था, ये इस तरफ भी नुकीला और इस तरफ भी नुकीला, दोनों तरफ से आपने गिल्ली डंडे खेलते हैं ना बच्चे, गुल्ली के दोनों तरफ जो तीखा होता है ना वैसा तीखा बना देते थे, वो होता था ब्यूरिन। ये क्या है, ये पत्थर, जो मनुष्य ने पत्थर का उपयोग हथियारों के रूप में करना शुरू किया रगड़ कर घस कर, तो उस वक्त इसने ऐसे ऐसे हथियार बनाए। पूर्व पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण कश्मीर केरल तथा गंगा यमुना व सिंधु के कछारी मैदानों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत से प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो पूर्व पाषाण काल के उपकरण थे वो कहाँ कहाँ से मिले, कश्मीर केरल गंगा यमुना व सिंधु के कछारी मैदानों को छोड़कर पूरे के पूरे भारत में मिले। उदाहरण, सोन नदी घाटी पाकिस्तान में, नर्मदा सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में, साबरमती और माही नदी घाटी गुजरात में, लूणी व चंबल नदी राजस्थान में, सिंगरौली और वेलन नदी उत्तर प्रदेश में, मयूरमंज जो है उड़ीसा में, गोदावरी और प्रवेशी नदी घाटी महाराष्ट्र में, गिद्दलूर व नल्लोर नदी घाटी आंध्र प्रदेश, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी तमिलनाडु, यहाँ से ये पूर्व पाषाण काल के में जो अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थलों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, चौपर चौपिंग पेबल संस्कृति जिसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, और हैंडेक संस्कृति जिसे मद्रासी संस्कृति कहते हैं। देखिए हमने आपको चौपर और चौपिंग के बारे में बताया था, हैंडेक्स के बारे में भी बताया था, अभी इससे पहले जस्ट आपने पहले आपको मैंने चित्र भी बताए थे, देखिए वापस बताते थे चौपर और चौपिंग। देखिए ये चॉपर और ये चॉपिंग है ना, और हैंडेक्स, ये हैंडेक्स, हैंडेक्स दिख रही है आपको, ये वाली हैंडेक्स, और चॉपर और चॉपिंग ऊपर दिखाएं। अब जो चॉपर और चॉपिंग पेबल संस्कृति थी इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं, और हैंडेक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। चौपर चौपिंग पेबल संस्कृति सोहन संस्कृति जो है, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब, ये नोट करके आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, पाकिस्तान के पंजाब स्थित सोहन नदी घाटी से प्राप्त हो, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। अब जो चौपर और चौपिंग की जो उपकरण थे, इस संस्कृति को सोहन संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पंजाब में स्थित सोहन नदी, जो सोहन नदी है उससे नदी घाटी योजना थी, नदी घाटी है उससे प्राप्त हुए, इसीलिए इस संस्कृति को सोन नदी कहते हैं। पाकिस्तान की सोन नदी के कारण इस संस्कृति को सोन संस्कृति कहते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी, 1928 ईस्वी पूर्व में डी एन वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। डी एन वाडिया को सोन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है। अब ये भी आपके जीके का क्वेश्चन बनता है, एक जीके का क्वेश्चन बन गया कि सोन नदी घाटी योजना, चौपर चौपिंग पेबल संस्कृति को सोन नदी घाटी का परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पाकिस्तान के सोन नदी घाटी से प्राप्त हुई है। और दूसरा जीके का क्वेश्चन क्या बनता है कि सोन नदी घाटी का पितामह किसे कहा जाता है, तो सोन नदी घाटी का पितामह डी एन वाडिया को कहा जाता है। नर्मदा नदी घाटी में स्थित अतनोरा से मानव की खोपड़ी मिली है, जो भारत में मानव अवशेष का उपकरण या सर्वप्रथम साक्ष्य है। अब जो नर्मदा नदी है उसके अतनोरा जो सिरोर में है वहाँ पे मानव की खोपड़ी मिली है, उसी से मानव अवशेष का पता चलता है। मध्य पाषाण काल
में भी मानव शिकार व खाद्य संग्रह की किताबें आपको बता रहे हैं हम। मध्य पाषाण काल जो 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक चला, मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्रह की था। इस काल में क्वार्टरजाइट पत्थर के साथ साथ जेस्पर, चर्ट, एंगर्ट आदि पत्थरों के फलक और शल्क उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में प्रस्तर उपकरण चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, स्क्रैपर पॉइंट और ब्यूरिंग आदि थे। ये हमने आपको पहले अभी जस्ट अभी बताए थे। इस काल में सबसे अधिक फलक उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए मध्य पूर्व के पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। क्योंकि यहाँ पे जो फलक का मतलब क्या होता है, एक तरफ उसको बोलते हैं सपाट, दोनों उसको फलक बोलते हैं, इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। एच डी संकालिया ने परवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना है। किस एच डी संकालिया ने परवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना है। इस काल के उपकरण भी पूर्व पाषाण काल में उल्लेखित स्थानों से प्राप्त होते हैं, हालांकि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में उतने स्थल प्राप्त नहीं है जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। इसका प्रमुख कारण पंजाब में उपयुक्त कच्चे माल का अभाव होना। पंजाब में कच्चा माल का अभाव मतलब जहाँ पहाड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पत्थर ज़्यादा होंगे, और पंजाब शुरू से ही पत्थर कम है। पंजाब उर्वरा जमीन है, सपाट पंजाब में मैदान पाए जाते हैं, इसलिए इस संस्कृति का विकास कम हुआ है। जहाँ मैदानी भाग कम है वहाँ पर इस संस्कृति जो पाषाण काल है उसका उपयोग कम है। उच्च पाषाण काल में भी मानव शिकारी व खाद्य, आप देखे उच्च पाषाण काल जो था 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। इस उच्च पाषाण काल में भी मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अब जब तक मनुष्य के पास में दूसरा कोई काम नहीं होगा, जब तक आदमी को कोई काम मत बताओ तो खाने का काम रहता है, कोई भी काम नहीं बचता है, ठीक है ना, खाओ पियो ऐश करो, कोई काम नहीं है। यदि जिस व्यक्ति के पास में कोई भी काम नहीं है तो क्या करेगा, वो खाने का संग्रह करेगा और खाएगा। तो उस वक्त मनुष्य के पास में फैक्ट्री थी नहीं, मोबाइल थे नहीं, लैपटॉप थे नहीं, टीवी थी नहीं, उसके कोई कारखाने थे नहीं, कपड़े थे नहीं, भोजन बनाने के लिए जो पक्की सामग्री थी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो क्या करता था, शिकार करता और खाना इकट्ठा कर लेता था, बस यही इसका काम था। इस काल में क्वार्टरजाइन, जेस्पर, चर्ट, एंगेट पत्थर के साथ साथ फ्लीट आदि पत्थरों के साथ ब्लेड उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा था। इस कारण काल के प्रस्तर उपकरण चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीनर, स्क्रैपर पॉइंट और ब्यूरिन आदि थे। इस काल में सबसे अधिक ब्लेड और ब्यूरिन उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए उच्च पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ब्लेड ब्यूरिन यानी तीखे। उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उच्च पाषाण काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। अब जब मनुष्य ने हर प्रकार के हथियार बनाने सीख लिए पत्थरों से, ठीक है ना, उसका जो था खाने की पूर्ति पूरी, खाने पहले किस हथियार क्या उपयोग लेगा था, वो यही उपयोग लेता था शिकार करने के लिए। अब जब उसका पेट पूरा भरा जाने लग गया और उसके पास में स्टोरेज भी हो गया खाने का, तब वह क्या करे, ठीक है ना, तब उसके दिमाग में कुछ नया करने की सूझी। तो जो उच्च पाषाण काल था उस वक्त वह बैठा बैठा पत्थरों से नक्काशी करने लगा और चित्रकारी करने लगा। इलाहाबाद स्थित बेलन घाटी के लहौदा नाला से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। जब पेट भर जाता है ना तो फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं, भूखे भजन होए नहीं गोपाला। तो पहले व्यक्ति का खाने की भी आपूर्ति पूरी नहीं होती थी, लेकिन पत्थरों से जब व्यक्ति ने हथियार बनाने शुरू कर दिए तो खाने की आपूर्ति हो गई। तो उसके बाद में उसने नक्काशी शुरू कर दी, उसने चित्रकारी शुरू कर दी और भी बहुत चीज की, आप देखते रहिएगा। विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रयों से विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में विष्णु धारक वाकड़कर के द्वारा की गई। उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था, यह हम आपको फिर बता रहे हैं। भीमबेटका के
700 शैलाश्रयों में से 475 गुफाओं में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो विश्व के किसी भी स्थल से प्राप्त होने वाले सर्वाधिक शैल चित्र है। यहाँ के शैल चित्र मुख्यतः हरे व लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड भी मिले हैं। विष्णुधर वाकणकर के अनुसार इस नीले पाषाण खंड से चित्रकारी के लिए रंग तैयार किए जाता होगा। देखिए इस प्रकार जो थे शैल चित्र बनाए गए, शैल यानी पत्थरों पर बनाए जाने वाले चित्र। भीमबेटका के शैलाश्रय से प्राप्त चित्रों में नृत्य करता हुआ मानव समुदाय में शिकार करते हुए लोगों का आदि चित्रों का बहुलता है। अब देखिए इस सभ्यता तक आते आते मनुष्य ने काफ़ी विकास कर दिया। वह मतलब सामुदायिक शिकार, देखिए यहाँ पे एक चित्र नाम सुनिए, मानव सामुदायिक शिकार यानी मनुष्य समूह में रहना शुरू हो गया था, ठीक है ना, इसलिए सामुदायिक शिकार करना समूह में रहना शुरू, या तो उसने गांव बनाने शुरू कर दिए या उसने समाज, उसका समाज बन गया था इसलिए उसने सामुदायिक शिकार शुरू कर दिए। भीमबेटका में सर्वप्रथम उच्च पाषाण काल के चित्र जबकि सबसे अधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं। भीमबेटका से ताम्र पाषाण काल और ऐतिहासिक काल के भी चित्र मिलते हैं। इस काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, महाराष्ट्र के पाटने, राजस्थान के चंदेसाल और मध्य प्रदेश के रामनगर से प्राप्त हुए हैं। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्या से नाम, जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके हैं उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले से, महाराष्ट्र के पाटने जिले से, राजस्थान के चंदेसाल जिले से, मध्य प्रदेश के रामनगर जिले से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पाटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन पाया गया है। इस काल में मानव चकमक पत्थर प्रस्तर उपकरण का प्रयोग करने लगा, अर्थात यह अग्नि से परिचित तो था परंतु उसके प्रयोग से नहीं। अब देखिए जो उच्च पाषाण काल जो था उसमें जो मध्य प्रदेश के पाटने में शुतुरमुर्ग के छिलके के अंडे का चित्रांकन किया गया था, इस काल में चकमक, देखिए चकमक प्रस्तर उपकरण का प्रयोग करने लगा। चकमक क्या काम करता है, चकमक के पत्थर को जब रगड़ते हैं तो उसमें से आग उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो वो चकमक पत्थर का उपयोग करना शुरू हो गया, यानी आग से परिचित तो हो गया लेकिन उस आग का उपयोग कैसे करते हैं वो उसको पता नहीं चला था, क्योंकि चकमक पत्थर जहाँ पे उपयोग में लेगा तो उसमें से रगड़ने पर आग चिंगारी निकलती है। अब है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण कालीन प्रथम स्थलीय औजार की खोज 1867 ईस्वी में सी एन कोलाइल के द्वारा की गई, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण को प्राप्त किया था। इस काल में मानव मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक भी था, परंतु शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के अलावा हड्डियां और सींग के औजार बनाए जाने लगे। अब देखिए मध्य पाषाण, पहले तो औजार बनते थे पत्थरों के पूरा पाषाण काल में, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आया हड्डियों और सींग के भी औजार बनाए जाने लगे। इस काल के उपकरण छोटे पत्थरों से बने हुए थे जिन्हें माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों के उपयोग से काम में लेता था, और मध्य पाषाण काल में मानव हड्डियों और सींग से भी औजार बनाना शुरू हो गया था। इस काल के प्रमुख उपकरण स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, चंद्राकार, समलंब, त्रिभुज आदि है। अब देखिए अब जो उपकरण थे किस किस टाइप के थे, एक तो स्क्रैपर, एक पॉइंट, एक ब्यूरिन और त्रिकोण, नवचंद्राकार, समलंब, त्रिभुज के रूप में ऐसे। इस काल में मानव न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों जैसे पक्षी और मछली का भी शिकार करने लगा। अब जो पूरा पाषाण काल था उसमें बड़े बड़े जानवरों का शिकार होता था, और मध्य पाषाण काल में पक्षियों और मछलियों का भी शिकार होने लगा।
इस काल में सर्वप्रथम तीर कमान अर्थात प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। अब मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य तीर कमान से भी परिचित हो गया और तीर कमान चलाने लगा, यानी मनुष्य ने विकास किया। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक आते आते हथियारों को विकसित किया गया, क्योंकि जरूरत जो होती है आविष्कारों की जननी होती है। इस काल में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश एवं बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से 500 ईसा पूर्व से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। ये भी नोट करने योग्य है कि जो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ते को, यानी पहला पालतू जानवर था कुत्ता। लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम साक्ष्य भी इसी काल में प्राप्त होता है। गंगा घाटी में स्थित सरायनार राय महादहा और दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश नामक स्थल में सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल है। सरायनार राय और महादहा से सर्वप्रथम स्तंभगढ़, गर्त चूल्हो, मानव अस्थि पंजर और मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त चूल्हो में पशुओं की हड्डियां जली हुई है। इस प्रकार मानव कच्चे मांस को पकाने लगा और अग्नि के प्रयोग से परिचित हो गया। अब देखिए, जो गर्त चूल्हो था उसमें हड्डियां मिली जो आधी जली हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मनुष्य अब आग का उपयोग करना शुरू हो गया, तब उसने मांस को पकाया होगा, यानी आग के उपयोग से मनुष्य मांस को पकाने लगा और पका कर खाने लगा, यानी अग्नि का प्रयोग करने लगा। सरायनार राय से मानवीय आक्रमण, युद्ध एवं दंत रोग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सरायनार राय, महादा और दमदमा से पशुओं के हड्डियों के उपकरण हिरण के सिंह के छल्ले प्राप्त हुए हैं। महादा से हड्डियों के सर्वाधिक आभूषण प्राप्त हुए हैं। महादा से युग्मी सवादान और एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए, महादहा में हमें पता चलता है कि फिर मनुष्य को दफनाना शुरू हो गए थे। दफनाने की व्यवस्था कब्रिस्तान दफनाने की व्यवस्था हो गई थी और मतलब सवादान करना शुरू हो गए थे और एक कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस काल में राजस्थान स्थित सांबर झील के निक्षेपों से विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जो सांबर है वहां पे वृक्षारोपण के भी साक्ष्य मिले हैं। इस काल में शैल चित्र के महत्वपूर्ण स्थल थे मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश, भीमबेट का लाका जुआर व आदमगढ़ मध्य प्रदेश, कुपाल गुल्लू कर्नाटक आदि। भीमबेट का की गुफाओं से प्राप्त सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल से प्राप्त संबंधित है। मध्य पाषाण कालीन कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल लंगनाज गुजरात, टेरी समूह और वीर बानुपुर पश्चिम बंगाल आदि है। अब आता है हमारा नव पाषाण काल। आपको पूरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा, मध्य पाषाण काल समझ में आ गया होगा। अब नव पाषाण काल देखिए, 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। अब जो थे काफी मनुष्य ने अपना काफी विकास कर लिया था। इस विषय पर इस साल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नव पाषाण काल का सबसे पहले उपयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुवाक ने किया। नवपाषाणकालीन प्रथम स्थानीय औजार की खोज ली मैसूरियन के द्वारा की गई। उन्होंने इलाहाबाद स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त किए। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, देखिए। कृषि और स्थायी निवास का प्रारंभ।
अब इससे पहले मनुष्य घूमता फिरता था, घुमक्कड़ जिंदगी जीता था, लेकिन नवपाषाण काल से हमें साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य एक जगह पर रहने लगा और खेती करने लगा। मध्य पाषाण काल से पता चला कि मनुष्य समुदाय में रहने लगा, लेकिन नवपाषाण काल में पता चला कि मनुष्य एक जगह पर स्थायी रहने लगा और कृषि करने लगा। पत्थर के औजारों को पॉलिशदार व घर्षित करता, मर्द बांड बनाता यानी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हो गया। पशुपालन एवं अग्नि के उपयोग का विकास हो गया, मतलब काफ़ी विकास कर लिया मनुष्य ने। नवपाषाण काल की इन्हीं विशेषताओं के देखते हुए गार्डन साइड ने इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी। पाकिस्तान स्थित पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसका काल 700 ईसा पूर्व है। नवपाषाण के महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल देखिए कौन कौन से हैं। कोल्डी हवा और महागरा इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यह स्थल कच्चे हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण प्रदान करता है। चावल के प्रमाण भी मिलते हैं, जो पर भारत में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी चावल का सबसे पुराना प्रमाण है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान सबसे पुराना नवपाषाण स्थान है, जहां लोग धूप में सुखाई गई ईंटों से बने घरों में रहते थे और कपास और गेहूं जैसे फसलों की खेती करते थे। देखिए, हमने जो जानकारी आपको इकट्ठी करके दी है वह आपको एक जगह कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी सामग्री हमने आपको प्रदान की है, तो आप ये ध्यान से पढ़िएगा। ये जो स्थान है नवपाषाण काल के स्थान है, ये जीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे संबंधित, इसलिए इसको आप विशेष रूप से अच्छी तरह से पढ़िएगा। बुरजोम कश्मीर घरेलू कुत्तों को उनके आकाओं के साथ उनकी कब्रों में दफनाया गया। अब देखिए, कुत्तों को उनके आकाओं के साथ में दफनाया गया। लोग गड्ढों में रहते थे और पॉलिश किए हुए पत्थरों हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। मुकुराल कश्मीर, यह नवपाषाण स्थल घरों में गड्ढे पत्थर के औजार और कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। चिरंद बिहार, नवपाषाण काल के लोग हड्डियों से बने औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। पिकलियाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, कोटा, हल्लूर जो कि कर्नाटक में है, लोग पशुपालक थे। ये भेड़ और बकरियों को पालते थे यानी भेड़ बकरियों से अवगत थे। राख के टीले मिले हैं। बेलन घाटी जो विंध्य के उत्तरी क्षेत्र और नर्मदा नदी के मध्य भाग पर स्थित है, तीन चरण अर्थात पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग क्रम में पाए जाते हैं। अब देखिए, काल का आधार पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो काल का समय है आपको अलग अलग बताया जा रहा है, किस समय में कौन सी खोज की गई, उसका चरण कौन सा था, उसके लक्षण कौन से थे, कौन से औजारों का उपयोग किया जाता था, महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और उसकी खोज उस समय किस चीज़ की खोज की गई है, ये आपको अलग अलग भागों में डिवाइड करके हम बता रहे हैं एक सारणी में, जो आप ध्यान से देखिएगा। जो पूर्वपाषाण काल है उसका समय था 25 लाख ईसा पूर्व से लेके एक लाख ईसा पूर्व, माफ़ कीजिएगा 10,000 ईसा पूर्व, और मध्यपाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। अब चरण देखिए, पूरा मध्यपाषाण काल को एक ही काल में बांटा गया है, नवपाषाण काल को भी एक ही काल में बांटा गया है, लेकिन जो पूर्वपाषाण काल है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, वो है पूर्व पूर्वपाषाण काल, मध्य पूर्वपाषाण काल और उच्च पाषाण काल। अब लक्षण देखिए, पूर्वपाषाण काल के लक्षण है आकेटक, शिकारी और खाद्य संग्रह, ठीक है। मध्यपाषाण काल में आकेटक और खाद्य संग्राहक और पशुपालक की शुरुआत हो गई थी, लेकिन नवपाषाण काल में कृषि व्यवस्था की खोज, पशुपालकों को व्यवस्थित रूप और समाज का स्थायी निवासी प्रारंभ। अब उसके बाद में आता है औजार। पूर्वपाषाण काल में
क्वार्टरजाइट, सल्क और ब्लेड के हथियार बनने शुरू हो गए थे। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पत्थर, माइक्रोलिथ पत्थर के हथियार और नवपाषाण काल में स्लेट के पत्थर के हथियार बनने शुरू हो गए थे। अब महत्वपूर्ण स्थल देखिए, पुरापाषाण काल की जो हमें अवशेष मिले हैं उसके महत्वपूर्ण स्थल है अतिरंकम तमिलनाडु, हथनोरा मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये तो था पूर्वपाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल, चौपनी मांडो उत्तर प्रदेश, सरायनार राय उत्तर प्रदेश, बागोर राजस्थान उत्तर प्रदेश। अब महत्वपूर्ण स्थल नवपाषाण काल के कहाँ कौन कौन से, बुरजोम कश्मीर, मुफ कराल कश्मीर, चिरंद बिहार, क्वालिटी हवा मध्य उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। अब देखिए खोज कौन कौन सी हुई पुरापाषाण काल में, आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में आग का व्यवहारिक उपयोग प्रारंभ हुआ और नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई, कृषि की खोज हुई और विधिवत पशुपालक समाज का निर्माण हुआ। ये तो था पाषाण काल, प्राचीन पाषाण काल। हमने हमारी तरफ से इतनी कोशिश की है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, यदि कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सामान्यतः जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रदान की करने की कोशिश की है। हमने आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को, हमारा जो कि हमारा नहीं आपका ये चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।